नमस्कार। जी हां, राजस्थान मौसम अपडेट यानी वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना। इस प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर का एरिया बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29-30 अगस्त के दौरान उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ कहीं की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दी जाए 31 अगस्त पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही यह बारिश का सिस्टम यानी सितंबर माह के प्रथम हफ्ता में सक्रिय बने रहने की परिस्थितियां अनुकूल भी है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ भी बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 1-4 सितंबर के दौरान मेघ गर्जना के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यानी बीकानेर संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू इलाकों में बारिश होने के साथ ही है। वहीं जोधपुर संभाग के नागौर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में अच्छी खासी बरसात भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यानी यहाँ पर 30 अगस्त के दौरान भी कई इलाकों में यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। हम बात करें 31 अगस्त के दौरान तो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसी तरह 1-3 सितंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में नागौर, पाली, जोधपुर, इन इलाकों में, जालौर के इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। यही थी आज मौसम को लेकर बड़ी हुई खास रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अपने जिले ना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख देना। धन्यवाद।